मुस्लिम लीग काफ पीटीआई में जम होगी या नहीं पर बिजलाही ने मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुस्लिम लीग काफ की क्यादत पीटीआई में जम होने या अलग शनाख्त बरकरार रखने का जायजा लेगी। इमरान खान की परवेज़ इलाही और मौनस इलाही को पीटीआई में जम होने की पेशकश की गई है। मौनस इलाही मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करने के हामी हैं और आपको अपडेट किया जा रहा है मुस्लिम लीग काफ पीटीआई में जम होगी या नहीं। इस हवाले से परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। लियाकत अली से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, लियाकत आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग कायदे आज़म से सियासी मुस्तकबिल के तय्यन के लिए आज मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास जो है वो लाहौर में चौहरी पवेलई की रिहायशी गाह पर जहूलाई रोड पर होगा। रात को ये इजलास तलब किया गया। बुनियादी तौर पर पीटीआई को चेयरमैन इमरान खान एक से कई बार साहिब जो है वो ये पेशकश कर चुके हैं कि काफी को पीटीआई में जम कर दिया जाए, इससे पीटीआई भी मजबूत होगी और जो पुरवेलाई मुनसला भी मजबूत होंगे। तो उस हवाले से ये डिसीजन लेने के लिए आज पार्लियामेंट पार्टी का इजलास बुलाया गया जिसमें साबिक एमपीए सेनेटर और टिकट होल्डर्स और पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीक होंगे और मोनस लाइक के हवाले से भी मालूम है कि वो भी चाहते हैं कि काफली को पीटीआई में सम कर दिया जाए, जबकि पीटीआई के जो हवाले से जो पेशकश आई है उसमें जो काफली के अरकान असेंबली जो साबिक है उनकी अक्सरियत भी इसी बात की हामी है। तो आज रात हतमी फैसला हो जाएगा। जी ठीक है, लियाकत अली आपका शुक्रिया।